नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आप लोगों से उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है कि किसी कंपनी का शेयर चूज़ करने से पहले आपको उन 10 बातों को फॉलो करके ही किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करेंगे वो कौन सी 10 बातें हैं जिनको हम फॉलो करके शेयर मार्केट में राइट कंपनी में राइट शेयर चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो आता है वो है बिजनेस साइकिल। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बारे में देखना है, कंपनी का बिजनेस साइकिल कितना पुराना है, कि कंपनी मार्केट में कितने टाइम से काम कर रही है। जैसे आइशर मोटर्स है, आइशर मोटर्स को 73 ईयर्स हो गए मार्केट में काम करते हुए। ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया को 129 साल हो गए काम करते हुए। और जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक को 27 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए। तो हमेशा किसी भी कंपनी को चूज़ करने से पहले, किसी कंपनी का शेयर चूज़ करने से पहले जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि आपको कंपनी का बिजनेस साइकिल देखना है कि कंपनी का बिजनेस साइकिल कितना पुराना है, कंपनी मार्केट में कितने टाइम से काम कर रही है। तो सेकंड थिंग जो आती है वो आती है ग्रोथ कंसिस्टेंसी। ग्रोथ कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कंपनी की ग्रोथ रेट कितनी है। ग्रोथ रेट हम इस कंपनी की जो ग्रोथ कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से हम उसको उसके बारे में डिस्क्राइब मैं आपको करना चाहूँगा कि जो अपनी ओवरऑल इंडिया की GDP है, ओवरऑल इंडिया की GDP का डबल। कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी है जो ओवरऑल जो हमारा इंडिया का GDP रहता है उसके डबल उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया है। मतलब अगर ओवरऑल GDP इंडिया का 5% है तो उन कंपनीज की ग्रोथ रेट 10% है। तो इसीलिए हमें उन कंपनी को चूज़ करना जिनकी ग्रोथ कंसिस्टेंसी GDP से डबल है। तो आपको जो रहेगा बेनिफिट वो चूज़ करने में, हमें सेकंड जो टिप्स देखना है वो ये देखना है कि कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंसी कितनी है। थर्ड पॉइंट है लीडरशिप डिक्शनरी। लीडरशिप डिक्शनरी में हमें चेक करते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो टॉप लेवल पे जो पर्सन बैठे हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनका एक्सपीरियंस क्या है और वो कितने साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो लीडरशिप डिक्शनरी में हम ये चेक करते हैं। उसके अलावा इसमें दो तीन पॉइंट्स आते हैं जैसे इंटीग्रिटी, मतलब कि उन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कितने समय से वहाँ पे काम कर रहे हैं और कितने समय से उनकी स्टेबिलिटी है। सेकंड जो पॉइंट आता है इसमें ऑडिटर्स, आपकी कंपनी के ऑडिटर्स कौन कौन हैं, कि कौन जो टॉप 10 ऑडिटर्स हैं वो आपकी कंपनी का जो जो भी बैलेंस शीट वगैरह उनको चेक करते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है कि आपका जो ऑडिटर्स हैं वो कौन है। और कुछ कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो लीडरशिप डिक्शनरी उनकी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि हम देखते हैं बजाज। बजाज जो कंपनी है उसका मार्केट शेयर आज से 7 साल पहले काफ़ी कम का हुआ करता था, आज आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न बजाज का शेयर दे रहा है। सेकंड नंबर पर आता है रिलायंस। रिलायंस का शेयर कभी 400 रुपये का हुआ करता था, आज रिलायंस का शेयर 2600-700 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये होती है लीडरशिप डिक्शनरी, मतलब कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो हाई अथॉरिटी हाई पर्सन हैं जो कंपनी हैंडल कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो ही कंपनी के लिए ग्रोथ करता है, कंपनी को ग्रोथ दिलवाता है। चौथा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है डेट जीरो। जैसे हम किसी कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि उसका डेट जो है वो जीरो होना चाहिए। जैसे उसके ऊपर जैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कंपनी के ऊपर कितने लोन्स चल रहे हैं, कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, या कंपनी के और एक्सपेंसेस कितने हैं और कंपनी का प्रॉफिट कितना है, वो सब चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही आपको कंपनी चूज़ करनी है। कि हमें पता पड़े कि कंपनी में प्रॉफिट तो मिनिमाइज है, कंपनी में लॉस ज़्यादा है और कंपनी में जो इंटरेस्ट है कंपनी कंपनी ने कहीं से लोन ले रखा है, लोन का रीपेमेंट कर रहा है तो उसके कंपेरिजन में कंपनी इंटरेस्ट पे कर रहा है।
तो कंपनी का प्रॉफिट, लोन्स और इंटरेस्ट, ये हमें कैलकुलेशन करना है। उसके बाद ही हमें कंपनी को चूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम थे, आज वो मार्केट से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम था और उन्होंने मार्केट से लोन काफ़ी बड़े लेवल पे ले रखा था। जैसे भूषण स्टील्स था, काफ़ी बड़ी फर्म थी, लेकिन आज वो मार्केट से ख़त्म हो चुकी है। एसआर स्टील्स था, वो मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 16,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, आज मार्केट से गायब है, क्योंकि उन पे लॉस थे वो बहुत ज़्यादा थे और उनकी जो प्रॉफिट थी वो कम थी। तीसरा है जेपी इंफ्रा, उसका भी दोस्तों आपने नाम सुना होगा, बट वो आज कंपनी मार्केट में नहीं है, क्योंकि उन पे जो थे लॉस और इंटरेस्ट अदर एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, डेप्ट उनका जीरो नहीं था। तो इसलिए आप कंपनी को चूज़ करने से पहले देख लें कि कंपनी का डेप्ट वो जीरो होना चाहिए। अच्छा, जो पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि प्रमोटर स्टैक। किसी कंपनी के शेयर चूज करने से पहले हमें देखना चाहिए कंपनी का जो प्रमोटर्स है उनका कंपनी में कितना स्टेक है। मिनिमम 55% का प्रमोटर का स्टेक होना चाहिए, मतलब कंपनी का जो ओनर है, जो मालिक है, उसका 51% उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। सपोज़ कंपनी के लिए नौकर तो काम करेगा नहीं, कंपनी के लिए मालिक ही काम करेगा, और मालिक का अगर स्टेक कम है तो वो कंपनी को आगे कंपनी के बारे में सोचेगा ही नहीं। अगर उसका स्टेक ज़्यादा है और उसने 50% से भी ऊपर, 51% से ऊपर अगर उसका स्टेक है, तो वो कंपनी के बारे में सोचेगा और कंपनी को आगे ले जाएगा। इसलिए चूज़ करने से पहले हमेशा ये देख लीजिए उसकी डिसीजंस मेकिंग्स, वो जो डिसीजंस लेगा वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेंगे अगर उसका 51% का कंपनी में स्टेक है तो। इसलिए आप किसी कंपनी को चूज़ करने से पहले ये देख लें कि कंपनी का प्रमोटर स्टेक कितना है। प्रमोटर स्टेक्स जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं, वो जैसे बर्जर है, बर्जर पैंट्स, उसका जो प्रमोटर स्टेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, 51% से भी ज़्यादा है, तो वो कंपनी आज उसका शेयर प्राइस आप चेक कर लीजिए, वो उसका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊंचे लेवल पे चल रहा है। उसके बाद में आती है पिडिलाइट। पिडिलाइट कंपनी का प्रमोटर स्टेक भी 51% से ऊपर है, तो कंपनी का जो ओनर है वो कंपनी के प्रति लायबल है, डिसीजन मेकिंग जो लेता है वो काफ़ी सोच समझ कर लेता है। तो आज पिडिलाइट है, पिडिलाइट की एक अलग मोनोपोली चलती है, पिडिलाइट के कंपैरिजन में कोई भी आज मार्केट में नहीं है। तो आप देख लीजिए कंपनी का प्रमोटर स्टेक अगर 51% है, कंपनी का ओनर है, वो कंपनी के बारे में सोचता है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में आपका जो शेयर आप कंपनी से कंपनी का ले रहे हैं, आप नुकसान में नहीं रहेंगे, आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। तीसरी जो कंपनी है वो है सीरा। सीरा में भी आप देख लीजिए कंपनी का प्रमोटर स्टेक 15% से ऊपर है, तो कंपनी आज रेगुलर जो अपना प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन कर रही है, और डिसीजंस मेकिंग्स जो होते हैं वो काफ़ी बेटर लेवल के होते हैं। तो इसीलिए आपको किसी कंपनी को चूज़ करने से पहले उनका प्रमोटर स्टेक्स देख लेना है कि कंपनी में जो कंपनी के ओनर है उनकी कितनी हिस्सेदारी है। और छठा पॉइंट आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी कंपनी का शेयर लेने से पहले, आप ये देख लें कि कंपनी का बैलेंस शीट में चेक करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, मतलब कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल रहा है, उसी बेस को चूज़ करके आप कंपनी राइट कंपनी चूज़ करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जैसे टाइटन है, टाइटन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा अच्छा, या हम ये कह सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो काफ़ी अच्छा, कंपनी आज काफ़ी अच्छे लेवल पे है। इसलिए आप किसी भी कंपनी को चूज़ करने से पहले कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें, जो आपको बैलेंस शीट शो होगा। सातवां पॉइंट है कंपनी रेवेन्यू। तो कंपनी रेवेन्यू को हम इस तरीके से समझेंगे, कंपनी का जो रेवेन्यू होता है वो हमें चेक करने से हमें ये पता पड़ता है कि कंपनी का जो मार्केट में सेल है वो कितनी है। सपोज़ हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई कंपनी है जो मार्केट में जिसकी सेल हुई है फाइनेंशियल ईयर में 50,000 यूनिट्स की, मतलब 50,000 यूनिट्स उसने बेची है, पर यूनिट की कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो टोटल उसका जो कंपनी का रेवेन्यू हो गया वो हो गया 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपये कंपनी की सेल्स है, तो उससे ये चीज़ हमें देखनी चाहिए दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले कि कंपनी का रेवेन्यू कितना, कंपनी के सेल्स कितनी है। और सेल्स में जो कंपनी का रेवेन्यू होता है उसमें एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, तो हमेशा अपने कंपनी का
रेवेन्यू चेक करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखना है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका ये होता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी सैलरी, उनके टेलीफोन बिल्स और उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं यूटिलिटी बिल्स, कूरियर एक्सपेंसेस, इन सबको डिडक्ट करने के बाद जो हमें हमारा अमाउंट बचता है वो है नेट प्रॉफिट। तो आप देख, हम अगर मोटा मोटा हमें चेक करें कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, तो उससे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस और कंपनी का कंपनी रेवेन्यू में पता पड़ता है। तो आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का रेवेन्यू चेक करें कि कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी फ्यूचर में हमारे जो शेयर से हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या हमें लॉस देंगे। आठवां पॉइंट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता पड़ता है कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। हमें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से भी पता पड़ सकता है कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, बट एक्चुअल जो हमें नेट प्रॉफिट पता पड़ेगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता पड़ता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअली में जो इनकम स्टेटमेंट बनता है, इनकम स्टेटमेंट में कंपनी जैसे क्रेडिट सेल करती है, जो पैसा कंपनी के पास में 2 मंथ या 3 मंथ बाद में आएगा उसको भी कंपनी अपने इनकम स्टेटमेंट में शो कर देती है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कंपनी की क्रेडिट सेल होती है वो उसमें डिडक्ट होती है, तो उसमें हमें एक्चुअल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें पता पड़ता है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी के पास में कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, कंपनी के पास में कितना पैसा है। क्योंकि जो कंपनी को चलाते हैं उसमें डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हमें कवर अप करने के लिए कंपनी के पास कितना कैश का अवेलेबल है वो कंपनी के लिए डिपेंड करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। इसलिए हमेशा आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी करें, ये कंपनी में राइट कंपनी चूज करने में और राइट कंपनी में इन्वेस्ट करने में आपको फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए आप जब भी किसी कंपनी के शेयर चूज करें तो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करें, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिगार्डिंग जो वीडियो है मैं आपके लिए ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बहुत जल्द मैं आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। बट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें जो हमारा पॉइंट है उसमें आप ये समझ लीजिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको स्टडी करना है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। नवा पॉइंट, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी ने शेयर मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो इससे भी हमें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पता पड़ता है। तो आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो आप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करें, कंपनी का मार्केट में कितना पैसा लगा रखा है, कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। दसवां पॉइंट है CGP। तो CGP से हम ये समझते हैं कि कंपनी में C का मतलब हुआ कैश, G का मतलब हुआ ग्रोथ और P का मतलब हुआ प्रॉफिट। इन तीनों चीज़ों को हमें कंपनी में चेक करना चाहिए किसी कंपनी के शेयर लेने से पहले। हमें CGP चेक कर लेना चाहिए, कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी कितनी ग्रोथ है और कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताई 10 थिंग्स, इन थिंग्स को फॉलो करके आप राइट कंपनी चूज कर सकते हैं और आपका पैसा राइट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लॉसेस कम हो और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप 10 थिंग्स को फॉलो करके राइट कंपनी चूज़ कर सकते हैं और राइट आप कंपनी चूज़ करके अपना पैसा राइट शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा बैंक निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या डिफरेंस है, सेंसेक्स में कितनी कंपनियाँ लिस्टेड होती है, निफ्टी में कौन सी कंपनी लिस्टेड होती है और बैंक निफ्टी में कौन सी कंपनियाँ लिस्टेड होती है और वो किस तरह से काम करती है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियोस लेके आऊँगा और फ्यूचर में आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड हर तरह की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो कीप वॉचिंग
माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।